आप मेरे ब्लॉग में हैं। उसको कॉपी कर रही है आजकल, उसका भी लग गया ऊपर नीचे। उसको भी लग, हाँ तू क्यों नहीं लगवा रहा है? मैं है नेचुरल चीज से। तो थैंक यू सो मच प्रतीक, ये काफी हेल्प कर दे रहा है, पूरा 99% हेल्प किया है मेरा। बोल रहे हो क्या बोल रहे हो? यही दोनों ना। जब कैमरा चालू होता है ना चुप हो जाते हैं ना ये लोग। अपना नहीं बताते, खुद का ब्लॉग है, एडिट कर लेगा वो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? फिलहाल तो अभी अंबिकापुर में हूँ, यहाँ पे सारा डाटा वगैरह कॉपी हो गया है। अभी भी कुछ कुछ डाटा मेरे को कलेक्ट करना है, उसके बाद फिर किसी को डिलीवर करना है, उसके बाद फिर मेरे को निकल जाना है अंबिकापुर से बिलासपुर की तरफ। तो चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया, बहुत आलसी भी आ रही है, बट अभी इसके आगे का सफ़र मेरे अकेले का है। प्रतीक और सब तो अपने अपने घर पर हैं, और फिलहाल तो मैं भी प्रतीक के घर पर हूँ। तो मैं निकलता हूँ, फिर अभी नींद आ रहा है, आलसी आ रहा, क्या कर सकते हैं, बस निकलना पड़ेगा। चलो चलते हैं। वो बहुत आलसी आ रहा है, अभी बहुत दूर जाना है, पता नहीं कैसे ही जाऊंगा, और आलसी आ रहा है इसलिए ना आज मैं ऐसे ही सफ़र कर रहा हूँ। चलो मैं इसी को गाना डाल के कुछ कुछ बना दूंगा, समझे? सॉरी, कुछ कर दो ना। फिर ये वीडियो कौन कौन देखता है पता ही कि नहीं। क्या हो गया गाइस? अरे यार, स्टेपनी गाइस। अरे यार, पंचर है गाड़ी तो। स्टेपनी इज वेयर गाइस, स्टेपनी इज इन टिक्की। सिक्योरिटी के साथ इसमें रसगुल्ले डाले गए हैं, पन्नी के ऊपर पन्नी, पन्नी के ऊपर पन्नी। जज साहब रसगुल्ले खाने बैठे हैं, पन्नी खोल ले। तो एक्चुअली हमको ना राउरकेला से, सॉरी रांची से रसगुल्ला दिया था भाभी ने, तो फिर हम खा रहे हैं रसगुल्ला, सॉरी गुलाब जामुन। नाक साइड घुस जा रहा था माय टाइम। अरे यार hey. एक तो वैसे ही आलसी आ रही थी, ऊपर से गाड़ी पंचर, और मेहनत करना पड़ेगा अब थोड़ा सा। अरे जीजू, बधाई हो आपके आपके स्टेफनी का आज उद्घाटन होने वाला है, शायद ये पहली बार यूज हो रहा है। जैक तो पता नहीं यार कहाँ है, तो होगा इसी में होगा, ढूंढो। नहीं, जैक आगे है शायद, यहाँ नहीं है। नहीं है, देखो आगे होगा। तो थैंक यू सो मच प्रतीक, ये काफ़ी हेल्प कर दे रहा है, पूरा 99% हेल्प किया है मेरा। 99% ठीक हुआ कि यहाँ खराब हुआ था। हाँ, ये तो पूरा 100% मेरे को ही करना पड़ता, मेरे हाथ भी से गंदे हो गए, मैंने भी चलाना है आपको इसलिए। हाँ यार, तो मेरा स्टेपनी लग गया है। थैंक यू सो मच प्रतीक, ये आपका रिवार्ड आपके लिए। भूल गए? हाँ चलो, प्रतीक को भी बाय बोल दो, अब पता नहीं कब प्रतीक आएगा मेरे ब्लॉग में। हालांकि इन दिनों बहुत प्रतीक आया मेरे ब्लॉग में, और बहुत लोग उसको देखे हैं, जाने हैं इंस्टाग्राम में भी। प्लीज़ फॉलो कर देना उसके, इसके हजार हजार फॉलोअर्स कंप्लीट कर दो, आ जा रहा है इंस्टाग्राम का आईडी। और चलते हैं अब। एक ये वाला गुस्सा था, और एक दूसरा अंकल भैया निकाल रहे हैं, वो भी अच्छा खासा ही बड़ा लग रहा है, छोटा सा था। ये देसी घी बूंदी लड्डू आधा किलो दीजिएगा। भाई है साला, नहीं जाना है भाई मेरे कहीं से है। यहाँ कैमरा क्यों लगा है? अरे दिल्ली है ना। तो हमारे साथ कुछ नए क्या हो गया? अभी तो बहुत लंबा फेंक रहे थे यार। अरे 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 अरे, क्या बातें चल रही है, कहाँ सब छिटक गया इधर उधर। तो ये आजकल के जनरेशन में यही होता है, मतलब बस यही कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। नहीं डर, चलो देखा जाए यार। बताइए फिर क्या जानना है? पूछूं? अरे
रायपुर से लेना चाहिए। हां रायपुर से सस्ता मिलेगा, रायपुर में सस्ता मिलेगा पेट ड्राइव का। रायपुर से तो ये है, ये दोनों रायपुर में रहते हैं, डब्बू और आप अनीश जॉन। अनीश जॉन ओके, अनीशा का भाई है। तू अनीशा? तरली है। अनीशा अमीना तरली है, जोशमी की फ्रेंड। अच्छा ओके, और ये आप अपना इंट्रो बताओ यार। कोई ना जाने तो अच्छा रहेगा। ये एक्चुअली बिन्नी थी लेकिन अब नेहा बन गई है। नेहा भी सेम दिखती है आजकल, उसका भी लग गया ऊपर नीचे। और एक बंदा तो कहाँ पीछे पीछे भाग रहा है यार। नहीं नहीं मेरा कैमरा सब तरफ घूम सकता है 360। ये मेरे व्लॉग में पहली बार है ना यार। तो ये लोग यहाँ चौपाटी में घूम रहे थे तो जस्ट हाय हेलो करने के लिए रुक गया था मैं। एक्चुअली क्लाइंट से भी मिल रहा था यहाँ चौपाटी के पास, तो इस वजह से ना मैं यहीं आसपास हूँ। और यहाँ पे कुछ लोग ना, जो मेरे दोस्त यार लोग हैं, इनको पीना है क्या, इनको खाना है तंबाकू गुटखा, और इनको खाना है क्या, अब खुद को बियर पीना है, वो कौन बताएगा। ना अपना नहीं बताते, क्योंकि खुद का व्लॉग है, एडिट कर लेगा वो। और भैया कितना तक की होगी? बोल रहे हो क्या बोल रहे हो? यही तो ना, यही जब कैमरा चालू होता है ना चुप हो जाते हैं ना ये लोग। कुछ बोलो बोलो, बुला बुला भैया। अरे यार आप ना लजवा दे रहे हो यार उनको। क्या क्या बोल तो अभी हम पी रहे हैं कोल्ड कॉफी, और ये ट्रीट किसकी साइड से है? बिन्नी की साइड से है। ये बिन्नी बिन्नी के नाम। तो अभी मैं फिर से प्रतीक के घर आ गया हूँ। एक्चुअली उसने मेरे को फोन किया और बोला कि मेरा लैपटॉप का चार्जर यहाँ छूट गया है, तो अच्छा हुआ। अंबिकापुर से नहीं निकला था तो बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि लैपटॉप के बगैर तो मेरा कुछ काम होता नहीं है। तो वापस आया हूँ चार्जर लेने के लिए, और फिर यहाँ डब्बू और सब लोग मिल गए थे, और चौपाटी में भी डब्बू लोग मिल गए थे, तो उनके साथ थोड़ा सा इधर उधर कुछ कुछ खा लिया था। और फिर मेरे को सब्सक्राइबर भी मेरे से मिले, बट उनको मैं ब्लॉग में नहीं ले पाया, तो उस चीज़ का खेद है। फिर मैंने उनसे पूछा था कि आपको ब्लॉग में लूँ या ना लूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो मैंने फिर नहीं लिया, बट इट्स ओके। और कुछ लोग मेरे को दूर से देख रहे थे, पता नहीं वो मेरे को भी देख रहे थे या किसको देख रहे थे, बट मेरे को ऐसा लगा कि उन लोग मेरे सब्सक्राइबर उनसे मिलने नहीं आ पा रहे थे। तो अगर उनमें से अगर आप हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और ये रहा प्रतीक, थैंक यू सो मच यार, मतलब इससे बगैर कुछ नहीं हो पाता मेरा। झुकोगे? नहीं यार। ठीक है फिर, चलो फिर निकलता हूँ। आप मेरे ब्लॉग में हैं। हाउ मैन सरप्राइज। अच्छा बस में है क्या? बस चल रहे हैं, निकलने वाली है। ओके ओके ओके, बस की आवाज़ थी। तो मैं इनके बारे में बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश हुआ इनसे मिल करके, वो भी अचानक, क्योंकि जहाँ मैं चाय पीने के रुका था ना, वहीं पे वो कुछ खाने के लिए रुके हुए थे। तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स होता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि ये कौन थे। तो अभी मैं जिनसे मिला था ना, वो इसी बस में जा रहे हैं, और मैं इनके पीछे पीछे ओवरटेक कर रहा हूँ। बाय, हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी, सही से पहुँचना और कल फ़ोन करना। तो अभी जो मिले थे मुझे, तो इनके बारे में क्या ही बताऊँ, बहुत लंबी स्टोरी है, बट शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही शॉर्ट में। एक्चुअली अभी मैं गया था राउरकेला और रांची शूट पे, वेडिंग शूट पे, और सेम डेट पे ना इनका भी वेडिंग था। तो इन्होंने भी मुझे कहा था कि उनकी वेडिंग में मैं शूट करूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो नहीं पाई जिस वजह से कि मैं वहाँ ना जा करके मुझे राउरकेला और रांची जाना पड़ा। तो इनके यहाँ मैं नहीं गया, बट इनका कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने ही लिया था, तो फिर मैंने अपनी दूसरी टीम भेजी उनके यहाँ शूट करने के लिए। तो मुझे भी काफ़ी दुख था कि मैं इनकी शादी में इनसे नहीं मिल पाया, और वो भी चाहते थे दिल से कि मैं उनके यहाँ आऊँ शूट करने के लिए, बट चीज़ें वैसी हो नहीं पाई, तो उसका दुख ज़रूर था। लेकिन आज जिस तरह से मैं उनसे मिला हूँ ना, एक्चुअली मैं जस्ट अभी दीदी के यहाँ जा रहा था, रात के अभी 10:30 बज रहे हैं, और दीदी के यहाँ मैं बस पहुँचने वाला था। तो मैं ना मोरगा में चाय पीने के लिए रुकता हूँ उसी होटल में, तो मैं जस्ट रुका ही था, और मैंने देखा कि ये तो सामने में ही है, तो फिर मैं जाके फिर सीधे बोल दिया उनको कि आप मेरे ब्लॉग में करके। तो उनको जितना शॉक लगा, जितना सरप्राइज उन्हें मिला ना, उतना ही सरप्राइज मुझे भी मिला कि अचानक हम ऐसे मिले।
तो काफी अच्छा लगा, जो मतलब बुरा बुरा फील हो रहा था शादी में कि हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे, तो शायद वो यहाँ कवर हो गया, क्योंकि अभी तक मेरे फेस पे स्माइल है कि मैं उनसे मिल पाया इस तरह से। हालांकि मैं उनसे मिलने का प्लानिंग कर ही रहा था कि मैं रायपुर में जाके उनसे मिलूंगा, तो खैर वो तो मैं मिलूंगा ही, लेकिन आज जिस तरह से अभी मिला हूँ ना, तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो क्या ही बोलूं, वो कहते हैं ना, दिल से किसी चीज को चाहते हैं भले लेट मिलती है लेकिन मिलती जरूर है, तो आज मेरे साथ हुआ और आप लोग भी देख सकते हैं कि दिल से मैं चाहता था कि उनसे मिलूं और देखो मिला ना, लेट हुआ 2-3 दिन बट मिला, तो अच्छा अच्छा लग रहा है।